JNN, एक नई रिवायत। वेलकम बैक, प्रोग्राम देख रहे हैं आप दलील के साथ। ब्रेक से पहले हमने बात की कोरोना वैक्सीन की, और अब हम बात करेंगे शुगर क्राइसिस की, यानी कि जो चीनी का बहरान हमने देखा था, और उसके बाद जो रिपोर्ट पेश की गई, GIT बन गई, टीम बन गई, और जो जो उसमें मुलविस थे उनकी निशानदेही की गई। एक बहुत बड़ी जो है वो दस्तावेजी रिपोर्ट सामने में आई, 100 पेजेस की, 200 पेजेस की, 150 पेजेस की, लेकिन उसका अवाम को क्या फ़ायदा हुआ? अवाम को क्या चीनी सस्ती दाम में जो है वो मिलने लगी कि नहीं, हमें ऐसा कुछ नज़र में नहीं आया। कुछ अदालतों ने ये भी जो है काम जारी किए कि आप किलो 75 रुपये पे भेजेंगे चीनी, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। इवन हुकूमती सतह पर भी, अगर हम यूटिलिटी स्टोर्स की बात करें, तो उसमें भी चीनी जो है वो 90, 85 और कहीं 100 रुपये पे बिक रही है। इसके अलावा लोकल जो शॉप्स हैं, जो मार्केट्स हैं, उसमें तो आपको पता है कि रेट्स बिल्कुल कम नहीं हुई है। शुगर मिल्स मालिकान ने अपने तौर पर यह करने की कोशिश की है कि उन्होंने कैंप्स लगा के 75 रुपये फ़ी किलो डायरेक्ट फरोख्त करने की जो है वो एक कोशिश की है, जिसको मैं थोड़ा सा सराहूंगा कि चलो उन्होंने अपनी तरफ से शायद वो अदालती हुक्म मानने का एक वो किया है, दिखावा तो नहीं कहूँगा, लेकिन कोशिश की है उन्होंने कि जो हमने कीमतें जो है वो कम कर दी। लेकिन आम मार्केट में कीमत कम क्यों नहीं हो रही है, और क्राइसिस के बाद जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसके बाद अभी तक इस पर अमल क्यों नहीं हो रहा है, ये जो है ये स्ट्रक्चर क्या है, इसको समझने के लिए हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद है डॉक्टर असलान तारिक राना साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर है UCP लाहौर के, इकोनॉमिस्ट हैं, और इनसे जानेंगे कि ये कीमतों का चक्कर आखिर में क्या है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? जी खैरियत जी, अल्लाह का शुक्र जी। डॉक्टर साहब, हमें बताइएगा कि पिछले दिनों हमने देखा कि रिपोर्ट आने के बाद जो है वो काफ़ी हंगामे हुए, हुकूमती सतह पर भी निशानदेही की गई उन शख्सियात की जो कि शुगर क्राइसिस में जिनका हाथ था। हुकूमत ने काफ़ी सख्ती दिखाई अपने तकरीरों में और अपने जो है वो खिताबात में, लेकिन हमें उसके जो है वो असरात नज़र नहीं आ रहे हैं। जहाँ पर चीनी की कीमत इस वक्त 75 रुपये फ़ी किलो होना चाहिए, अदालती अहकाम भी हैं, लेकिन वो कम नहीं हो पा रही है। इसके वजूहात क्या हैं, और ये स्ट्रक्चर क्या है कि चीनी की कीमत कम कैसे होगी? जी जी, असल में थोड़ी सी मुझे डिस्टॉर्शन हुई है एंड पे, काइंडली आप अपने क्वेश्चन जरा रिपीट कर दीजिएगा, एंड पे डिस्टॉर्शन हुई है प्लीज। जी जी, असलान साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि जो चीनी की कीमतें हैं जो कि 75 रुपये फी किलो इस वक्त होनी चाहिए, अदालती अहकाम भी हैं, लेकिन वो कम नहीं हो पा रही हैं। अलबत्ता शुगर मिल्स के मालिकान ने अपनी तरफ से ये कोशिश की है कि 75 रुपये फी किलो पर बेच रहे हैं वो कैंप लगा के, लेकिन आम मार्केट में जहाँ पर आम आवाम या हम जैसे लोग जो है जाते हैं मार्केट्स में चीनी लेते हैं, वहाँ पर कीमत अभी भी 85 रुपये, 100 रुपये, 90 रुपये तक बिक रही है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, चीनी की कीमतों में कमी क्यों नहीं हो रही है? अलबत्ता रिपोर्ट भी पेश की गई है, उन शख्सियात की निशानदेही भी की गई है जो कि क्राइसिस में जिनका हाथ था। जी, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, ये इसके बारे में काफी एक रिपोर्ट भी आई और बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन भी हुई डिफरेंट फोरम्स के ऊपर। अब देखें, चीनी के जो असल रॉ मटेरियल है वो है शुगर केन, ठीक है, और शुगर केन हमारी जो नॉन फूड सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है पाकिस्तान के, आफ्टर व्हीट, जो जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। अब शुगर केन की प्रोडक्शन के अंदर भी थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, मैं आपको पहले टेक्निकल डिटेल्स बता दूं, फिर आगे एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे बताऊंगा कि क्या सिचुएशन क्या है बेसिकली, जिसकी वजह से प्राइसेस कंट्रोल नहीं हो पा रही। टेक्निकलिटी में अगर आप जाके देखें तो उसमें आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुगर केन की जो इंडस्ट्री है उसको, जो शुगर इंडस्ट्री है उसको काफी ज्यादा पड़ी। इसकी वजह ये कि जो 2018-19 के अंदर जो शुगर केन प्रोडक्शन है वो काफी कम हो गई, क्योंकि किसान को उसकी सही प्राइस नहीं मिल पा रही, और वाटर शॉर्टेजेस की वजह से भी वो काफी उसकी प्रोडक्शन कम हुई। तो एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली, दिस वाज द वन ऑफ द रीजन की जिसकी वजह से बढ़ी। हाउएवर इन शुगर इंडस्ट्रीज को सब्सिडाइज भी किया जाता है ताकि वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकी हाई हो रही है उसको कम किया जाए, और थ्रू सब्सिडीज। अब प्रॉब्लम ये है कि जी सब्सिडाइज उनको कर दिया गया है, बट एट द सेम टाइम इवन आपकी जो प्रोडक्शन है
बिल्कुल वो 7+ हुई है मिलियन जो उसकी मेट्रिक टन है, और आपकी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन थी वो समवेयर अराउंड 5.9-5.8 मिलियन टन थी, मेट्रिक टन थी। अब उसमें जो जो शुगर है बहुत सी वो एक्सपोर्ट भी हो गई, ठीक है। और वन ऑफ द रीजन कि इसकी जो प्राइसेस हाइक हुई है वो एक तो इन्होंने अंडर रिपोर्ट भी किया जो प्रोडक्शन है जो सेल्स है, और जो एक्सपोर्ट किया उसकी वजह से भी काफी ज्यादा प्राइसेस इंक्रीज करनी हुई है ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर, क्योंकि सप्लाई डोमेस्टिक मार्केट में शॉर्ट हो गई तो जिसकी वजह से प्राइसेस हाई हो गई। अब ये तो इसकी टेक्निकल डिटेल्स थी, अब एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे अगर आए, जैसे आपने पूछा कि जी इसकी प्राइसेस क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रही जबकि रिपोर्ट भी आ गई और जिम्मेदारों का तायुन भी हो गया, तो इसकी जो रीजन है वो ये है कि हमारी जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है वो बहुत वीक है। उनका ये काम है बेसिकली कि उसको प्राइसेस को कंट्रोल करना, और वो उनके जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है जिसकी वजह से वो जिम्मेदारों को ये कंस्ट्रेन करते हैं, उनको मजबूर करते हैं कि जी आपने इस प्राइस पर रखनी है, जो कि वो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा वीक है हमारे। और आप देखें जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और डेवलपिंग कंट्रीज में, और डेवलपिंग कंट्रीज में खाली ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज में ये इश्यूज आते रहते हैं, इस तरह के जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जिन लोगों मुल्कों के वीक होते हैं वहां ये इश्यूज आते रहते हैं। और देखें आप एक तो चीनी का आपने क्वेश्चन किया, अगर आप थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड करें तो ये वीक के अंदर भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो दिस इज ऑल ड्यू टू रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन। तो उन इंस्टीट्यूशन को अगर फ्रेमवर्क मजबूत हो जाए तो देन वी कैन बी एबल टू सॉर्ट आउट के जी प्राइसेस जो है वो कंट्रोल की जा सकती हैं। जी जी मुझे ये भी बताइएगा सर कि जैसे आपने चीनी की बात की, तो वैसे ही एक मसला हो रहा है पाकिस्तान में चल रहा है पेट्रोल के हवाले से भी, पेट्रोल का प्राइस जो है वो थोड़ा सा कम हो गया, ये थोड़ा सा हट के मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन कल चूंकि मैंने प्रोग्राम इस पर किया था और मेरे ख्याल में आप इसका बेहतर जवाब दे सकेंगे कि पेट्रोल की प्राइसेस हमने देखी थी कम हो गई और उसके बाद फ़ौरन शॉर्टेज हो गया है। PSO की जानिब से जो है वो पेट्रोल की जो है वो दस्तियाबी का काफ़ी दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मार्च अप्रैल में प्राइवेट कंपनीज़ ने लेटर्स लिखे थे अथॉरिटीज़ को कि हम इम्पोर्ट जो क्रूड फ्यूल पे बैन लगा है वो हटा दे ताकि हम इम्पोर्ट कर सके, लेकिन अच्छा सॉरी टू डिस्टॉर्ट यू, थोड़ा सा और क्लियर कर सकते हैं लाइन को, क्योंकि मुझे डिस्टॉर्शन काफी फील हो रही है। जी जी बिल्कुल, मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको मेरी बात अभी क्लियर आ रही है? आप काफी बेहतर हैं। जी 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 सर मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह आपने चीनी के बारे में बात की, इस तरह अगर हम पेट्रोल की तरफ आते हैं तो पेट्रोल की प्राइस तो कम हो गई है लेकिन वो नापैद हो गई है, उसके वजूहात भी हैं, वो सबके सामने हैं कि क्रूड ऑयल पे जो पाबंदी लगी थी मार्च में, आई थिंक अप्रैल में या मार्च में, और उसके बाद प्राइवेट कंपनीज ने लेटर्स लिखे थे अथॉरिटीज़ को कि वो पाबंदी हटा दी जाए ताकि हम इम्पोर्ट कर सके, लेकिन वो उसकी उस वक्त किसी ने नहीं सुनी। तो अभी इस बोहरान को, जो पेट्रोल का बोहरान इस वक्त पूरे मुल्क में छाया हुआ है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं और इसमें इसको काबू करने के लिए इस वक्त सबसे पहले कौन सा इकदाम या कौन सा कदम हुकूमत को उठाना चाहिए? ये भी एक अच्छा सवाल किया आपने। पेट्रोल साइड पे भी देखें, जो स्टेम है ना प्रॉब्लम की, जो जड़ है वो मैंने आपको बताया कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर लाया करती है, एंड दैट कैन बी यू नो एक्सटेंडेड टू एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनी सेक्टर। मैंने आपको वीट की भी बात की, शुगर की अभी हमने बात की, तो ऑयल सेक्टर का जो आपने क्वेश्चन किया उसके हवाले से भी यही कि जी आपकी जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है अगेन वो इतने स्ट्रांग नहीं है, जो कि एक सर्टेन सेक्टर के अंदर जो कंपनीज हैं उनको ये रिस्ट्रिक्ट कर सकें कि जी आपने इतने पर ये सेल करना है, क्योंकि डेफिनेटली वो जब पाबंदी हटी और उसका जो एकदम सप्लाई बढ़ी ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसकी प्राइसेस गिनी है, तो डेफिनेटली उसका उसके जो सम्राट है वो हमारे यहाँ भी आने चाहिए। अभी जो इश्यू चल रहा है पेट्रोल का फ्यूल का, तो वो ये है कि आपके जो पेट्रोल पंप्स हैं, और आप जैसे आपने बताया कि सबके सामने सबको पता है कि रीजन क्या है इसकी, वो क्यों नहीं उसको उस प्राइस पर बेचना चाह रहे, लेकिन वही बात है कि वो चाहे ना चाहे वट एवर इट इज, ये तो गवर्नमेंट का काम है कि उसको कंस्ट्रेन कर सके। और अगेन उसका इसका जवाब भी उसी में लाए करते हैं कि जो आपकी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन जो है वो सही तरह काम नहीं कर रहे, जिसमें आपकी गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस है। अगर आप देखें इंटरनेशनली डेटा उठा के देखें वर्ल्ड बैंक के का, तो उसके अंदर भी पाकिस्तान का जो स्कोर है इन इन डिफरेंट रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन रिगार्डिंग गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस या रेगुलेटरी क्वालिटी या ब्यूरोक्रेटिक क्वालिटी, उसका स्कोर बहुत लो है।
और उसके जो इफेक्ट्स हैं वो डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर पड़ते हैं और वो हमें नजर आ रहे हैं, ना सिर्फ शुगर के इंडस्ट्री के सेक्शन में बल्कि ये ऑयल सेक्टर के अंदर भी, वीट के अंदर भी, इसके अलावा भी और डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जहां गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही, वो वही बात है कि गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस जो है वो बेहतर करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म चाहिए। उसका जो वे आउट है वो यही है कि जो आपके इंस्टीट्यूशन हैं उनको किसी ना किसी तरह रिफॉर्म किया जाए। अब रिफॉर्म वो और डिटेल हो जाएगी कि रिफॉर्म करने के भी आगे काफी तरीकेकार होता है और समटाइम्स रिफॉर्म्स जो है वो उल्टी आपको नुकसान पड़ जाता है रिफॉर्म करके, लेकिन वो एक और डिस्कशन है, वो किसी और टाइम के लिए भी रखी जा सकती है कि जी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स अगर किए जाए तो कैसे होने चाहिए जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशन अच्छा परफॉर्म कर सके। तो हमारे इंस्टीट्यूशंस आर देयर, दे आर इंटैक्ट, लेकिन उनकी इफेक्टिवनेस, उनकी क्वालिटी एट पार नहीं है, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट जगहों पर ये प्रॉब्लम का सामना फेस करना पड़ रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सलान साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपने कीमती वक्त दिया और इतने डिटेल से आपने हमें समझाया कि चीनी की कीमत जो है वो कैसे कंट्रोल होगी और जैसे आपने कहा कि वो शुगर कैन से डायरेक्टली रिलेटेड है और उसकी वाकई अगर हम ज़रात की बात करें तो काफ़ी मुतासर हुई है प्रोडक्शन भी, एग्रीकल्चर जितनी प्रोडक्शन थी कुछ कोरोना की वजह से, कुछ मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से, अगर मैं बात कहूँ एग्रीकल्चर की ही बात हो रही है तो लास्ट कुछ डिकेड्स में पहली बार जो गंदम की फसल थी उसकी प्रोडक्शन सबसे कम हुई है, जहाँ पंजाब में टनों के हिसाब से होती थी वहाँ मनों के हिसाब से हो रही है क्योंकि काफ़ी जो वो फसलें थी वो ख़राब हो चुकी थी। हमने जो है वो आपको बताया चीनी जो क्राइसिस, जो शुगर क्राइसिस चल रही है उनके रेट्स के बारे में। अभी जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद और ब्रेक के बाद हमें आपको बताएंगे एक इंटरेस्टिंग वो स्टोरी है और उसको मैं काफ़ी देर से फॉलो कर रहा हूँ, जो इंडिया और चाइना की बॉर्डर क्राइसिस चल रहे हैं और भारत की मैं कहूँगा कि जम के पिटाई हो रही है, उस हवाले से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।